बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है। आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है। ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। बीजेपी कह रही है कि आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन दोबारा हो रहा है, पर जितने भी करप्ट नेता हैं आज उन सबको देखा जाएगा वहां पर। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू? देखिए, बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। सर, जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के लोगों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है, बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? अरुण गोविल और बाकी स्टार प्रचारक हैं। अरे, वो कहाँ के स्टार प्रचारक हैं? उनकी और फिल्में नहीं देखी आपने? और फिल्में नहीं देखी उनकी आपने? आप देखेंगे, देश में जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी लागू है, दो दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है, ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाए, वो चुनाव लड़ने से डरते हैं ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछे। तो जहाँ भी ऐसी बातें हैं, आप देखिएगा, उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। जो दूसरे दल में था तब तक भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आया तो उनका दाग जो है एकदम साफ हो गया, क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये तो खुलकर के हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। नहीं, हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है, मतदान में इनको चोट करे यही हम लोग चाहते हैं। 400 पार का नारा, उनका मुंह है वो तो बोलेंगे, उनके मुंह से जो मन में है वो बोलें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं, जिस हिसाब से तोड़ मोड़ना, तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा।